रानी यादव। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। एसएससी की ईमानदारी से पढ़ रही हैं जी। कितना घंटा पढ़ती हैं? यहाँ पे 5 घंटा। लाइब्रेरी गांव में भी बनना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे स्तर से जो टैलेंट निकलता है गांव से ही निकली तैयारी कर रहे हैं। अभी तो मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है और अपीयरिंग में ऐसे फाउंडेशन अपना। हम यहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे रहते हैं। 5 से 6 सुबह से शाम तक बच्चे पढ़ते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। लंच लेकर आते हैं, लंच करते हैं। आरओ का पानी है यहाँ पे, वाईफाई लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, किसी चीज़ का असुविधा नहीं। फोकस कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आप पे पूरा विश्वास करके जो कि अपने घर से इतना दूर भेजते हैं कि आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। जी कर रहे हैं बिल्कुल। पूरा ध्यान पढ़ाई पर। जी जी जी। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टेट और सीटेट की। अच्छा, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना। व्यवस्था किया गया, लाइब्रेरी पहले नहीं था, अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये बहुत बड़ी सुविधा, वाईफाई का सुविधा है, निःशुल्क आप शिक्षा ले सकते हैं। कोई भी कंपटीशन का तैयारी, एकेडमी का तैयारी, हर विषय का यहाँ पे आप आके। प्रति गांव में, प्रति नगर पंचायत में, प्रति नगर पालिका में बनवाया जाए, जिससे मिल गए हैं 10th वाले बोर्ड वाले। देखिए अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? हाँ, एकदम। लड़की उड़ियों का चक्कर नहीं ना? यहाँ के चेयरमैन है माननीय विनय जायसवाल जी, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, इसी तरह हर क्षेत्र के ग्राम प्रधान। नमस्कार, मैं अभी नगर पालिका परिषद पडरौना में उपलब्ध हूँ। यहाँ पर जो है कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पुस्तकालय है, यानी लाइब्रेरी है। यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर चलकर अंदर से चीज़ें सभी दिखाने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से क्लास के जो है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। हालाँकि आप देख सकते हैं स्थिति सब यहाँ पर जो कि स्थापक साहब हैं। सबसे पहले नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आप बैठ जाइए। एक मिनट, ये व्यवस्थापक जी हैं। सबसे पहले नमस्कार। हाँ नमस्कार। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है बच्चों को? यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क सुविधा दी गई है। हमारे नगर पालिका पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन साहब माननीय विनय जायसवाल जी की तरफ से, और यहाँ पे सारी लगभग आपका पूरा फ्री वाईफाई का सुविधा है, निःशुल्क आप शिक्षा ले सकते हैं। कोई भी कंपटीशन का तैयारी, एकेडमी का तैयारी, हर विषय का यहाँ पे आप आके पढ़ाई कर सकते हैं। कितना समय पहले हुआ है सुबह? ये हुआ आपको करीब 1.5 साल हुआ, पिछले साल 2021 में अगस्त में इसका उद्घाटन हुआ था। देखा जाए तो मैं बच्चे से भी जानने का प्रयास करें, जो बच्चे अपने घर से आकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इस पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? अशफाक नाम है। अशफाक, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? ड्रॉपर है, नीट का। अच्छा, यानी आप यहाँ से यहाँ पर जो पुस्तकालय में आकर तैयारी कर रहे हैं खाली समय में? हाँ खाली समय में। यहाँ सभी बच्चे मन धन लगाकर अपना परिवार जो है कि छोड़ कर आके यहाँ पर पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय जहाँ पर सभी शिक्षाओं का संबोधन होता है। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? भाई मनु यादव। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट का कर रहा हूँ। नीट का जी। तो नीट का बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं? जी कर रहे हैं बिल्कुल। पूरा ध्यान पढ़ाई पर? जी 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 बिल्कुल। इधर उधर नहीं ध्यान? नहीं, इधर उधर नहीं ध्यान। चलिए भैया का ध्यान इधर उधर नहीं है, और चीज़ें दिखा दूँ मैं चारों तरफ। सभी लोग अपने अपने बुक में जो कि मन धन ध्यान देकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो निवेदन है सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद प्रत्याशी लोगों से कि अपने अपने जो कि नगर पालिका में प्लीज़ एक पुस्तकालय लाइब्रेरी जरूर बनवाएं, जिससे जो बच्चे वहाँ पर हैं वो पढ़ने का प्रयास करें। नमस्कार भैया। सर नमस्कार। क्या नाम है? राहुल यादव। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी एस्पिरेंट है। अच्छा, तो ये लैपटॉप अपने घर से लाए हैं आप? जी जी। तो कितना समय यहाँ पढ़ेंगे? हम यहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे रहते हैं। 5 से 6 घंटा। ईमानदारी से पढ़ते हैं ना? जी। चलिए, ऐसे ऐसे लोग ही जो है कि जिला टॉप करते हैं और अपने जो है कि एजुकेशन में काफ़ी जो है कि बढ़ावा देते हैं। क्या नाम है आपका? निखिल यादव। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी बोर्ड है, 10th है। अच्छा, देखिए देखिए भैया मिल गए हैं 10th वाले बोर्ड वाले। देखिए अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? हाँ एकदम। लड़की उड़ियों का चक्कर नहीं ना? नहीं अभी। को घंटा पढ़ते हैं? सुबह 6 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी बनाए अच्छा बनाए कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया है। सभी लोग आकर पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। आप क्या कर रहे हैं? हम भी बोर्ड तैयारी करते हैं। सुबह हाई स्कूल का? हाई स्कूल का। चलिए, दोनों लोग दोस्त हैं हमें लग रहा है, सुबह से आकर पढ़ रहे हैं। अच्छा, सभी लोग दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? अमित यादव। आप किस चीज तैयार कर रहे हैं? 10th बोर्ड है। 10th का। आप? नीरज यादव, 10th का तैयारी। आप? संस्कार दीक्षित, 10th का तैयारी। अच्छा, संस्कार दीक्षित है, तो ये देखिए कितना बढ़िया संस्कार से बुक पर जो है कि मोबाइल रखकर और पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, और हमें लगता है आप लोगों को मतलब जिला टॉप जरूर करेंगे, क्योंकि इतना ईमानदारी। क्या चीज़? कोशिश है। हाँ ठीक है, ईमानदारी से पूर्वक आप लोग पढ़ाई कीजिए, और मैं सभी चीज़ें दिखा सकता हूँ। इतना फैसिलिटी जो कि इस लाइब्रेरी में दिया गया है। क्या नाम है भैया आपका? आदित्य नाम है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना? हाँ ईमानदारी से ही पढ़ेंगे। अच्छा, इस नगर पालिका में जो कि व्यवस्था किया गया लाइब्रेरी का, अच्छा है कि नहीं?
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? प्राणेश मोहन मिश्रा। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम सीटेट के लिए अभी पढ़ रहे हैं सर। ईमानदारी से पढ़ रहे हैं? अपने तरफ से। अच्छा, तो कह सकते हैं। नगर पालिका में व्यवस्था किया गया, लाइब्रेरी पहले नहीं था, अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये बहुत बड़ी सुविधा है। इससे पहले मैं बनारस में रह के पढ़ा हूँ, इलाहाबाद भी कुछ दिन रहा, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी हो जाने से अब मुझे किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ता। जो चीज़ें वहाँ सुविधा जो मिलती थी वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। अभी आपने उधर कही कहीं पे कि इस तरह की लाइब्रेरी अगर और नगर पालिकाओं में भी बनाई जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। सभी लोग तो नहीं आएंगे, आने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो सही में सीरियस लोग हैं उनके लिए पर्याप्त सुविधा है ये। ऐसी सी लाइब्रेरी गांव में भी बनना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे स्तर से जो टैलेंट निकलता है गांव से ही निकलता है। गांव से जो लड़के हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट रहता है। अगर गांव में भी छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाई जाए तो हमें लगता है कि वहां के बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है, जो जुगाड़ के माध्यम से कई जो चीज़ें जो कि संशोधन कर देते हैं, तो वो लोग भी जो कि अच्छी अपनी प्रदर्शनी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी हैं, अंदर भी चल कर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ब्यूटी यादव। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है और अपीयरिंग में ऐसे फाउंडेशन अपना। जी जी, सोचिए यहाँ पर सब लड़कियाँ जो कि अपने घर को छोड़कर ईमानदारी पूर्वक, यानी पूरा पूर्ण विश्वास है इस लाइब्रेरी पर कि हमें इस लाइब्रेरी से अच्छी शिक्षा मिलेगी और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी राय। मैं डिस्टर्ब नहीं किया हूँ जी? नहीं। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पी जी। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ रही ना? यस। तो पास हो जाएंगे कि नहीं? पूरी कोशिश है। ठीक है, पूरी कोशिश है और निरंतर कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि जो कि 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रानी यादव। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC की। SSC की। ईमानदारी से पढ़ रही हैं जी? कितना घंटा पढ़ती हैं? यहाँ पे 5 घंटा हम पढ़ते हैं रोज। तो आपके परिवार वाले आप पे विश्वास करके भेजते हैं? ऐसा कोई कोई काम नहीं करती हैं? नहीं, पढ़ाई पर ध्यान रहता है ना? हाँ, पूरा। तो निवेदन है सभी बहनों से कि अपनी अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आप पर पूरा विश्वास करके जो है कि अपने घर से इतना दूर भेजते हैं कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक उनका जो है कि नाम रोशन करेंगे। तो सभी बहनों से निवेदन है कि ईमानदारी पूर्वक आप पढ़िएगा, प्लीज। आप लोगों से निवेदन है, आप ही जो है कि लक्ष्मी बाई हैं और तमाम जो देवी दुर्गा सब रूप आप ही लोग धारण करती हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि भविष्य में आप ही लोग जो कि नाम रोशन करें। क्या नाम है आपका? ब्यूटी वर्मा। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो हम दूसरा दिन है मेरा, हम बस। अच्छा, अभी दूसरा दिन है। हाँ। अच्छा, ये लाइब्रेरी बनने से आप लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं? बहुत फायदा हुआ है। बहुत फायदा। पहले नहीं था तो काफी दिक्कत होता होगा पढ़ने में? नहीं, दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग घर पे पढ़ते थे। अच्छा, मैं बता दूं, लाइब्रेरी बनने से एक माहौल बनता है। जो बच्चे मतलब कम पढ़े लिखे हैं, वो अगर ज्यादा टैलेंट बच्चे जो पीछे रहेंगे उन लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो निवेदन है लाइब्रेरी प्रति गाँव में, प्रति नगर पंचायत में, प्रति नगर पालिका में बनवाया जाए, जिससे जो वहाँ के अंदर जो कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो अपने एकजुट होकर निखारने का प्रयास करें। तो निवेदन है। क्या नाम है आपका? अंकिता मिश्रा। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टेट और सीटेट की। अच्छा, ईमानदारी से पढ़ रही ना? आपका घर कहाँ है? यहीं पटराना में ही है। अच्छा, इस नगर पालिका में जो लाइब्रेरी बनने से फायदा हुआ है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किताबें अच्छी अवेलेबल हो गई हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रति हमें लगता है गांव से जो टैलेंट निकलता है अगर गांव में बन जाए अगर तो लाइब्रेरी, तो अच्छे वहां से जो है कि स्टूडेंट निकलेंगे। हाँ हाँ, वहाँ भी जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए लाइब्रेरी हो जाएगी तो यूज़फुल रहेगा उनके लिए भी। अगर हर नगर पंचायत और जो है कि गांव में, प्लीज़ निवेदन है, जो जनप्रतिनिधि जो दारू देकर और शराब बंटवाकर पैसा देकर जीतते हैं उन लोगों से निवेदन है कि अपने अपने जो कि गाँव में अपने नगर पंचायतों में एक लाइब्रेरी बनवाएँ, जहाँ ये होगा कि वहाँ के बच्चे जो कि अपनी टैलेंट और प्रतिभा निखारने का प्रयास करेंगे। तो निवेदन है, देखिए कितना सुंदर जो है कि नगर पालिका पड्रोनम बनवाया गया है, सभी बच्चे आकर ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं। यही लोग जो है कि ईमानदारी से पढ़कर और भविष्य में अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का, अपने ज़िला का नाम रोशन करते हैं। भैया से और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपके मतलब जो कि आइडिया है कि बनवाया जाए। देखिए, ये तो आइडिया बहुत पहले से ही था उनके दिमाग में, वो बस उसको प्लान दिमाग में पहले था, उसको प्रैक्टिकल रूप से लाना चाहते थे। जैसे ही उनको मौका मिला, यहाँ के पड़ोना के वासी, नगरवासी जो हैं, जनता उनको चुनी, तो उन्होंने अपना जो भी आइडिया विकास के लिए था उन्होंने सब दिखाया। तो सबसे पहले सोचा कि अगर हम नगर एक लाइब्रेरी खुल जाने से जो गरीब बच्चे हैं, जो कि उतना अपने घर पर पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, तो वो सब यहाँ आगे एक यहाँ पे माहौल मिलता है पढ़ाई का। यहाँ पे आके सुबह से शाम तक बच्चे पढ़ते हैं,
कोई डिस्टरबेंस नहीं। लंच लेकर आते हैं, लंच करते हैं, आरओ का पानी है यहाँ पे, वाईफाई लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, किसी चीज़ का असुविधा नहीं होता है। अब बिना शुल्क का, जो कि शुल्क भी नहीं लगता है। अच्छा, आपके नज़रों में मतलब न्यूनतम मानिए कितना बजट लग गया होगा इस तरह से? ये बजट के तो हमें उतना जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि वो उनके थ्रू ही हुआ है। मैं तो अभी स्टाफ हूँ यहाँ पे। आप स्टाफ? हाँ, मैं काम करता हूँ, तो उनके बारे बजट के बारे में होता है। कुछ बच्चियाँ और कुछ बच्चे आपको परेशान करते हों? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सभी बच्चे समझदार हैं और सभी पढ़ने के लिए उद्देश्य ही आते हैं, और उसके अलावा अपना पूरा पढ़ाई पर ध्यान करते हैं और चले जाते हैं घर पर। कोई मतलब ऐसा नहीं है। कब बजे से स्टार्ट होता है, कब बजे ख़त्म? ये सुबह में 8 बजे से शुरू होता है। अभी विंटर के समय में सुबह में 8 बजे शुरू होता है और शाम को 8 बजे तक चलता है, और गर्मी के सीज़न में सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक चलता है, और संडे को भी ये ओपन रहता है। अच्छा, इस तरह से जो कि हर नगर पंचायत में, नगर पालिका में, गांव में होना चाहिए कि नहीं लाइब्रेरी, क्योंकि अधिकांश जो है कि टैलेंट गाँव से निकलता है। बिल्कुल, मैं तो आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं माननीय विनय जायसवाल जी, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, इसी तरह हर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष, सबको ये काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों को एजुकेट होने का मौका मिलता है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है कि यहाँ से पढ़ के कुछ बन जाएंगे, तो अल्टीमेटली नाम उन्हीं का होगा। अच्छा, इस लाइब्रेरी में जितने बच्चे पढ़े हैं, करीब 1.5 साल से खुला हुआ है, ऐसा कोई टैलेंट अभी निकला है कि नहीं किसी भर्ती में? जी, बहुत बच्चे निकले हैं अभी। अभी मैं, मुझे 7-8 महीना हुआ आते हुए, मेरे अभी सामने 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चा आपका बनारस में टाटा मोटर्स, सॉरी होंडा की कंपनी है, उसमें वो जॉब कर रहा है, यहीं पे पढ़ाई करता था, और यहाँ पे अपना पढ़ाई करके अपना इंटरव्यू वहाँ दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। और भी 2 बच्चों का सीटेट निकला और टेट का एग्ज़ाम निकला, वो सब भी अपना कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। जी चलिए, अभी हम पुस्तकालय से बात कर रहे हैं और यहाँ पर सभी चीज़ें मैं दिखाने का निरंतर प्रयास किया हूँ। आप लोगों को निवेदन है कि प्रति गांव में, प्रति नगर पंचायतों में इस प्रकार से जो है कि लाइब्रेरी बनवाया जाए। बाकी इस लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचते हैं जो कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पुस्तकालय पटरौना में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से हर गाँव में, हर नगर पंचायतों में बनना चाहिए कि नहीं, इस पर भी अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान।